के जिला के प्रदेश प्रवक्ता भाई नवनीत सिंह जी ढिल्लो जी, हमारे जिले के युवा के प्रधान भाई दीपक यादव बवाणिया जी, हमारे पाली से हमारे साथी आए, नावा से आए, डेगरोता से आए, जड़वा से आए, पथरवा जवाहरनगर से आए, महेंद्रगढ़ से हमारे ये सैनी साहब आए। अगर सभी का समय, सभी का नाम लेऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। हमारी तीन बार की पार्षद, निर्विरोध पार्षद श्रीमती कृष्णा जांगड़ा जी, हमारे 16 से भी सभी साथी, हमारे भांजे वगैरह आए। मैं आपसे बसी गांव ने हमारा सबका इतना बड़ा स्वागत किया, इतना बड़ा मान सम्मान किया, मैं ता जिंदगी उस एहसान को, ता जिंदगी आप ने जो हमारा सम्मान किया है उसको कभी भुला नहीं पाऊंगा, ता जिंदगी इस एहसान को याद रखूंगा। आपका धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज चुनाव का माहौल, 5 तारीख को बसी गांव के नौजवान की तकदीर लिखी जाएगी। 5 तारीख को लिखा जाएगा कि बसी का हाल क्या होना चाहिए। 5 तारीख को लिखा जाएगा कि महेंद्रगढ़ जिले के जितने ऑफिस हैं वो जिले में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। 5 तारीख को लिखा जाएगा आईएमटी की झूठी घोषणा, आईएमटी खुडाना में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें 5 तारीख को लिखी जाएंगी नौजवान साथियों, पर लिखी जब जाएंगी, जब एन का बटन दबेगा, बसी का सुरेंद्र कौशिक जीत करके आएगा, महेंद्रगढ़ का भाग्य खोलने का काम करेगा। मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं कि आज जितना बड़ा मान सम्मान इस गरीब ब्राह्मण के बेटे का आपने किया, मैंने कभी सपन में भी नहीं सोचा था कि मेरा इतना बड़ा गांव बसई मेरे इतनी संख्या में साथ हो जाएगा। मैं आपको वादा करके जाता हूं
कि 5 तारीख को आप ऐनक का बटन दबाओगे, 8 तारीख को चंडीगढ़ जाऊंगा, जब वापिस आपके बीच में मंत्रिमंडल लेकर के आऊंगा, सबसे पहले बसी गांव में आने का काम करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। बसी गांव ने मेरा हमेशा साथ दिया, जब जब भी मैंने चुनाव लड़ा है बसी गांव मेरे साथ खड़ा है। मैं जब तक जीऊं अपने बच्चों को भी कह के मरूंगा कि बसी गांव का एहसान इस जिंदगी में कभी भूलना मत। बसी गांव ने मेरे को एक छोटे से नुमाइंदे को एक नेता बनाने का काम किया, उसमें बसी का सबसे बड़ा रोल है, बसी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज मैं गांव गांव जा रहा, अब की बार मेरे पास तो कैमरामैन को सबको कहूंगा कि घुमा करके देखिएगा, सब बसी के आदमी, भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा हो चाहे कांग्रेस का नुमाइंदा हो चाहे निर्दलीय नुमाइंदा हो, आजकल भीड़ नहीं आ रही, ऊंटड़ी नचाने लग गए। 4 गांव नाला ल्यावे, 10-15-20 घोड़ी करके ल्यावे और गांव में तमाशा दिखाएं बाजीगर का। जब 20-30-50 आदमी इकट्ठे हो और जब नेता आते हैं फिर अपनी बात कह के जाते हैं। अपने पास तो न कोई ऊंटड़ी और न अपने पास कोई घोड़ा गाड़ी, मेरे पास तो बसई का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को लेकर के चंडीगढ़ जाऊंगा। नौजवान साथियों, आज इस सरकार ने जो भी गरीब आदमी उसका मजाक उड़ाने का काम किया, जो बुजुर्ग आदमी है उसका मजाक उड़ाने का काम किया, आज एक फैमिली आईडी बना दी, उसके अंदर 1,80,000 रुपया से जिसकी आमदनी ज्यादा चली जाए उस बुजुर्ग की पेंशन काट दी जाती, उसका बीपीएल का राशन कार्ड काट दिया जाता है। 5 तारीख को एनक का बटन दबेगा, मैं उस आईडी को काटने का काम करूंगा, उस आईडी का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे हम। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया पेंशन लागू की थी, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था कि कितने पैसे वाला हो उसका उसकी पेंशन बनेगी। जो गांव का चौकीदार, जो गांव का सरपंच, गांव का पटवारी, एक डॉक्टर लिखेगा कि ये 60 साल का हो गया, उसकी 100 रुपया पेंशन बनाने का काम करेंगे। अब वो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया चलाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 500 की, आज वो पेंशन बढ़ते बढ़ते 3,000 हो गई। बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को एनक का बटन दबाओगे, पेंशन 3,000 से 7,500 रुपया देने का काम करूंगा। मैं आपके बीच में गरीब का बेटा हूँ, गरीब की बात बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस सरकार ने बीपीएल का राशन कार्ड काटने का काम किया, इस सरकार ने फैमिली आईडी चलाई, फैमिली आईडी को फाड़ने का काम करेंगे। सिर्फ आईडी एक ही होगी, गरीब का राशन कार्ड पीला होगा और अमीर का हरा होगा। जिसका पीला राशन कार्ड होगा उसको 150 गज का प्लॉट दिया जाएगा, 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना के दिया जाएगा और चाबी इस प्रकार से पकड़ाएंगे जैसे गुड़गांव में फ्लैट की चाबी।